उपनगरीय क्षेत्र गढ़ा का दशहरा चल समारोह बुधवार को उत्साह के साथ शानदार तरीके से निकाला गया। गढ़ा दशहरा चल समारोह का नेतृत्व गढ़ा रामलीला समिति ने किया। इस मौके पर पलपल इंडिया न्यूज प्रमुख कमलेश गुप्ता, डायरेक्टर गौरव गुप्ता और सिटी केबल के डायरेक्टर दीपक विश्वकर्मा ने भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का पूजन अर्चन किया और उनकी आरती उतारकर गढ़ा दशहरा चल समारोह का भव्य शुभारंभ किया। गढ़ा दशहरा चल समारोह में क्षेत्र की 16 दुर्गा प्रतिमाओं को शामिल किया गया, जिन्हें देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ सड़कों पर मौजूद रही। दुर्गा प्रतिमाओं के साथ साथ झांकियां भी लोगों के आकर्षण का खास केंद्र रही। खास बात ये रही कि पलपल इंडिया न्यूज में गढ़ा दशहरा चल समारोह का सीधा प्रसारण किया गया। इससे उन लोगों को काफी सहूलियत हुई जो चल समारोह को देखने नहीं जा पाए। पलपल इंडिया न्यूज के द्वारा किए जा रहे सीधे प्रसारण के जरिए ही लोगों ने घर बैठे ही गढ़ा दशहरा चल समारोह देखा और मां जगत जननी को विदाई दी। गढ़ा का दशहरा चल समारोह कई सालों से निकाला जा रहा है, जो अब ऐतिहासिक स्वरूप ले चुका है। माना जाता है कि मुख्य दशहरा चल समारोह के बाद गढ़ा का दशहरा चल समारोह ही शहर का ऐसा चल समारोह है जिसमें लोगों की भीड़ का अनुमान लगा पाना मुश्किल है। विजयादशमी का ये पवित्र पर्व हमें विरासत में मिला है। असत्य पर सत्य की जीत, अंधकार पर प्रकाश की जीत और अन्याय पर न्याय की जीत के प्रतीक के रूप में हमारे ऋषि मुनियों ने जब हमें ये सौंपा तो साथ में ये संकल्प भी हमसे लिया कि जब जब भी सनातन पर कोई आक्षेप होगा तो समस्त एकजुटता के साथ में उसका विरोध करेंगे, सनातन का रक्षण करेंगे। भगवान राम ने पहला तीर सनातन की रक्षा के लिए चलाया था और अंतिम तीर भी सनातन की रक्षण के लिए ही चला था। ये पवित्र पर्व है, इस पर्व पर माँ के चरणों में नमन करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ कि समस्त सनातन धर्मावलंबियों पर उनकी कृपा हो, उनकी दया हो, सभी के घरों में सुख समृद्धि का वास हो। विजयादशमी का पर्व एक ही संदेश लेकर आता है। मैंने कहा अंधकार पर प्रकाश की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, अन्याय पर न्याय की जीत, और इसमें सारे संदेश छिपे हुए हैं। और मैं माँ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी को उसी दिशा में लेकर आगे चलें जिस दिशा में ये देश जा रहा है, यानी उन्नति की ओर। सर्वप्रथम तो मैं समस्त सनातन धर्म प्रेमियों को अपनी ओर से आज असत्य विसत्य की जीत, विजयादशमी दशहरे की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। संस्कारधानी जबलपुर, ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि धर्मधानी के रूप में भारतवर्ष की उभर के सामने आई है और उसके कारण सबसे प्रमुख जो है उनमें से हमारा ये ऐतिहासिक गढ़ा का दशहरा चल समारोह भी। माँ नर्मदा से यही प्रार्थना है कि माँ आपकी कृपा समस्त संस्कारधानी वासियों के ऊपर और सनातन धर्म प्रेमियों के ऊपर हमेशा बनी रहे, और इसी प्रकार जैसे आपकी अविरल धारा बह रही है हम सबके हृदय में भी सनातन का प्रवाह होता रहे। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं पुनः, और मुझे विश्वास है कि हम सब आने वाली दीपावली पर एक एक दीप अपने दिल के अंदर भी जलाएंगे और भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि जो हमारे अंदर का रावण है उसका भी हम, अहंकार रूपी जो रावण हमारे मन के अंदर है उसको भी हम समाप्त कर सकें। राजा रामचंद्र जी ने हम लोगों को बताया कि सदैव असत्य पर सत्य की जीत होती है, अधर्म पर धर्म की जीत होती है, और ऐसा ही कलयुग में भी हो रहा है और ऐसा ही होगा। विजयदशमी की मैं सबको ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। परमपिता परमेश्वर भगवान श्री राम से, मां नर्मदा से ये प्रार्थना करता हूँ कि संस्कारधानी के ऊपर सदैव अपना आशीर्वाद बना के रखें, हमारी संस्कारधानी और यहाँ के नागरिक निरंतर उन्नति करें, स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें, खुशहाल रहें, यही कामना के साथ 16 घंटे काम करके उनकी सेवा में हम लोग तत्पर लगे रहें और उनका आशीर्वाद हम लोग को सदैव प्राप्त हो। गढ़ा रानियों की रानी, महारानी दुर्गावती की राजधानी गढ़ा का ऐतिहासिक विजयदशमी चल समारोह श्री रामलीला समिति गढ़ा जवालीपुरम के नेतृत्व में विगत 57 वर्ष से निरंतर चला आ रहा है, और यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मानव लीला का मंचन सनातनी संस्कृति का प्रतीक है। पूरी समाज सनातनी हो इसलिए राम रावण के वध करते हैं, तो सिर्फ इसलिए कि वो आता था ये आतंकी, दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी,
उसका अंत हो, अहंकारी उसका अंत हो। समाज को हम प्रतिवर्ष रामलीला मंचन करके ये संदेश देते हैं, साथ में रामलीला सेवा कार्य भी करती है। कोरोना काल में 65 दिन लगातार कलेक्टर की योजना से यानी नोडल ऑफिसर आशीष दीक्षित की योजना से नित्य नियम से 65 दिन गरीबों को 700 से 1000 व्यक्तियों का भोजन रामलीला ने कराया। नियमित रूप से रामलीला समिति निर्धन कन्याओं का विवाह, निर्धन व्यक्तियों का अंतिम संस्कार, निराश्रित वृद्धों का चिकित्सा सहयोग और प्रतिभावान विद्यार्थियों को 12वीं तक पढ़ाने का तय किए हैं। ऐसे 4 सेवा प्रकल्प रामलीला समिति की तरफ चलते हैं। हमने स्वर्ण जयंती वर्ष में रामलीला को ऐतिहासिक पद प्रतिष्ठा दिलाई, विश्व स्तरीय रामलीला हुई, वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस किया, पूरे वर्ष कार्यक्रम किए हमने, प्रतिमा एक कार्यक्रम, उसमें लखवीर सिंह लखा, राम जन्म श्री राम महायज्ञ और वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस उल्लेखनीय है। आगे हम 97वें वर्ष में, 75वें वर्ष में निश्चित विश्व के कई देशों में ये रामलीला मंचन होगा, क्योंकि अभी वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस के बाद 2 देशों ने आमंत्रित किया था, पर कोरोना काल के कारण हम वो मंचन नहीं कर पाए। विश्वास दिलाते हैं कि ये रामलीला समिति गढ़ा के कार्यकर्ता अभिनयकर्ता विश्व मंच पर जाके भी रामलीला का मंचन करेंगे। एक बार पुनः आप सबको, चैनल वालों को और गढ़ा की जनता को विजयादशमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ, अभिनंदन। नहीं, हमारे रामलीला समिति में हम लोग नए नए हर साल प्रयोग करते हैं। इस बार हम लोगों ने जैसे झांकियों का आयोजन रखा है, पीछे से हमारी 3 झांकियां हैं, हनुमान जी आगे चल रहे हैं, आधुनिकता की ओर हम लोग रामलीला समिति को ले जा रहे हैं। धन्यवाद। समय के साथ रामलीला के मंचन में भी परिवर्तन हो रहा है। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों का उपयोग हो रहा है और जनता अभी तुलना करती है टीवी में जो कुछ देखती है, चाहे उन्होंने रामायण देखी हो या अभी के सीरियल देखे हो, हमें उसके हम उतना नहीं कर पाते, लेकिन उसके साथ साथ चलना पड़ता है। तो हम लोगों ने काफ़ी सुधार देखे हैं। पहले जहां रामलीला में हम लोग पट्टी बिछा के जगह घेरते थे, आज रामलीला समिति बैठने की व्यवस्था करती है, बिछाई बिछाती है, कुर्सियाँ लगाती है, ये परिवर्तन रामलीला में आया है। परंपरागत दशहरा चल समारोह विगत कई वर्षों से चलते आ रहा है और इसी क्रम में इस बार भी यह दशहरा गढ़ा दशहरा चल समारोह अपनी परम वैभव को साथ लिए परम भव्यता के साथ निकाला जा रहा है, जहां अनेक विशाल प्रतिमाएं माता की और राम दरबार के साथ यह दशहरा चल समारोह निकाला जा रहा है। मैं सभी संस्कारधानी वासियों के साथ ही प्रदेश वासियों को भी दशहरा चल समारोह की विजयादशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वहाँ के ऐतिहासिक दशहरा चल समारोह को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। पल इंडिया न्यूज हर वर्ष लाइव प्रसारण लोगों के घर घर तक पहुँचाता है। आगे निरंतर भी पल इंडिया की कोशिश रहेगी कि आपके घरों तक पल इंडिया के माध्यम से सारे कार्यक्रम पहुँचते रहे। जय माता। ये पल इंडिया की ओर परिवार की ओर से हम लोगों ने समस्त दुर्गोत्सव समिति का स्वागत भी किया है और जनप्रतिनिधियों का भी स्वागत किया है, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि अगले साल और भी अच्छे से हम इस कार्यक्रम को करें। जबलपुर वासियों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप निरंतर देख रहे हैं गढ़ा का चल समारोह ऐतिहासिक होता जाता है। गढ़ा रामलीला समिति जो इसका नेतृत्व कर रही है 27 प्रतिमाओं के साथ, और विशेष आकर्षण का केंद्र झांकियां रहेंगी जो समाज को संदेश दे रही हैं, देश को संदेश दे रही हैं। सर्वप्रथम सर्वशक्ति दुर्गोत्सव समिति ज्योति नगर, जो कंधे पर माता विराजमान चल रही हैं, और 27 प्रतिमाओं के साथ यह चल समारोह चल रहा है। संस्कार आदि के समस्त नागरिकों को दशहरा चल समारोह के हार्दिक शुभकामनाएं। ये प्रतिमा जो है आपके समक्ष माता महाकाली की, वो दादा दरबार शाही नाका गढ़ा की है, जो कई वर्षों से स्वयं निर्मित करते आए हैं और लगातार
पूरा परिवार कोष्ठा परिवार जो है मिलकर माता रानी का पूजन अर्चन कर और अवलंबियों के लिए प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। आज माता रानी अपने स्वरूप में नगर परिक्रमा के लिए निकली हैं और सबको अपना आशीर्वाद देती हैं। मैं माता रानी से विनती करता हूँ कि हे माँ, जिस रूप में आप आई हैं समस्त लोगों को वो शक्ति दे कि आपकी छाया के प्रति समर्पित रहें। धन्यवाद। इस बार हमारी समिति के सभी सदस्य आप देख रहे होंगे जैसे सिर पर टोपी वंदे मातरम की और पोशाक सफ़ेद और हाथ में झंडा वंदे मातरम युवा दुर्गोत्सव समिति लेकर चल रही है। 1947 में देश आज़ाद होने के बाद हमारे जो मोहल्ले में बुजुर्ग रहा करते थे उन्होंने भारत माता 1947 से रखना स्टार्ट किया था। बाद में युवा पीढ़ी आई, भारत माता भी रखी जाती थी, उसके बाद माता दुर्गा विराजमान होने लगी हमारे यहाँ पर और हमारी समिति का नाम इस आधार पर वंदे मातरम युवा दुर्गोत्सव समिति रखा है। और हम लोग गढ़ा में एक हमेशा देश के प्रति एक संदेश हमेशा देते हैं वंदे मातरम के नाम से। निश्चित तौर पे गढ़ा में जिस उत्साह के साथ दशहरा मनाया जाता है और जिस उत्साह के साथ इसमें दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही जा रही है, आज ये सब में प्रथम दशहरा ऐसा होता है, शहर का प्रथम दशहरा प्रतीत होता है जिस संस्कारधानी के लोगों ने सराहा, इसमें विशेषता ये रहती यह क्रमबद्ध तरीके से अपनी प्रतिमाओं को आगे ले चलता है, इसमें गढ़ा रामलीला का भी बड़ा योगदान रहता है और खासकर दुर्गोत्सव समिति जो इतने उत्साह और उत्साह के साथ अपनी प्रतिमाओं की क्रमबद्धता को नहीं तोड़ती है। और दूसरा आपके सामने बड़ा कारण ये भी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो घर से बड़े बुजुर्ग आ नहीं सकते, देख नहीं पाते दशहरे को, उनको आप लोग यह सुविधा दे रहे हैं कि हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इसके लिए आप लोग भी बहुत धन्यवाद के पात्र। इतना बदलाव देखते हैं आप, जो पहले था और तो चेंजेस आ गए, किस तरह से आधुनिकता आ गई दशहरे में। निश्चित तौर पर जिस तरह दशहरे को भव्य रूप दिया गया है, इसमें नौजवानों के हिस्सेदारी को बहुत सराहा जाता है, उनकी हिस्सेदारी को। और आम जनमानस जिस प्रकार कोरोना से पीड़ित हुआ था, उसके बाद इस वर्ष मैंने अपने जीवन काल में 40 वर्षों में पहली बार देखा इतना मजमा मैंने अपने लाइफ में दशहरे में और नौ दुर्गों में कभी नहीं देखा। मैं सर्वप्रथम माँ जगत चंडी के चरणों में वंदन अभिनंदन स्पर्श करता हूँ और खासकर पल पल इंडिया चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके चैनल से घर में बैठे विकलांग बुजुर्ग और बहुत से माताएं बहनें जो यहाँ तक नहीं आ सकते हैं उनको आप इस माध्यम से माता जगत जननी के दर्शन करा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और माँ जगत जननी से निवेदन करूँगा कि आपका चैनल लगातार और जनता के बीच में जाए और प्रचार प्रसार कर सके। और जहाँ तक हमारे गढ़ा जल समारोह का बात है, निश्चित तौर पर लगातार इसकी वृद्धि हो रही है, शहर में एक नंबर पर दशहरा गढ़ा का हो गया है और अच्छी अच्छी प्रतिमाएँ, अच्छी साज सज्जा और बढ़िया तरीके के बैंड, हर तरीके से प्रस्तुतिकरण गढ़ा का लगातार बढ़ रहा है। ये सब चीज़ों के लिए आगे बढ़ाए, इसके लिए माँ जगत जननी से मैं कामना करता हूँ और गढ़ा की जनता को प्रणाम करता हूँ। जय माता दी। आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज, हर पल आपके साथ।